हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का युग वो मॉडर्न युग बनता जा रहा है जिसमें लोगों की पहचान और उनकी आइडेंटिटी उनके पोशाक के ऊपर निर्भर होती जा रही है। कौन सा इंसान किस तरह की पोशाक पहन रहा है, किस प्रकार के ड्रेस को फॉलो करता है अपने जीवन में, किस तरह का मोबाइल उसके पास में है, किस तरह के शूज वो पहन रहा है, उसके बोलने में, बोलचाल की भाषा में क्या इंग्लिश के शब्द वर्ड्स हैं या नहीं हैं, ये वो पैमाने हैं जिसके आधार पर हम किसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही आधुनिक युग का नमूना है। यानी आप एडवांस हैं या नहीं, आप मॉडर्न हैं या नहीं, ये वो पैमाने हैं जिसके आधार पर, जिसको बेस बनाकर हम लोग दूसरों के बारे में अपनी राय कायम करते हैं। इसके विपरीत जो इंसान टच स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं लिया है, सीधा साधा बटन वाला फ़ोन है, जिसकी पोशाक बिल्कुल सीधी सादी है, जो इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी में बातें कर रहा है, जो बहुत स्मार्ट उसके ड्रेस की वजह से नहीं लग रहा है, जो बहुत रिच नहीं है या बहुत अच्छी गाड़ी में नहीं चल रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं है, बस में ट्रैवल करता है, ट्रेन में ट्रैवल करता है, तो ऐसे लोगों को देखकर हमारी राय इन जनरल यही हो जाती है कि ये इंसान तो बहुत सीधा साधा है। तो कल की अवतार जो आज के आधुनिक युग में आए हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसी होगी, क्या वो भी आज के युग की तरह, आज के यंगस्टर की तरह मॉडर्न ड्रेसेस पहनेंगे, उनकी थिंकिंग मॉडर्न होगी, उनकी बोलचाल की भाषा में वो इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्या वो हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसी प्रकार की पोशाक पहनेंगे जो लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। कहने का अर्थ ये है कि क्या वो मॉडर्न एज में मॉडर्न कल की अवतार बनकर रहेंगे या सिंप्लिसिटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि कहा जाता है सादगी में ही ईश्वर का निवास होता है। आधुनिकतम युग में आधुनिकता उस युग की पहचान है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए की जाती है। यानी सीधे साधे लोग जिनकी बोलचाल की भाषा, जिनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत सिंपल रहता है, उनके अपने जीवन में उनके मित्र भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके जीवन में शो ऑफ ज़्यादा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें ही देखना, उनसे बातें करना पसंद करते हैं। क्योंकि कल के अवतार भले ही आधुनिक युग में आए, लेकिन उन्हें पुरानी व्यवस्था को वापस लौटाना है, उस व्यवस्था के अंतर्गत इस यूनिवर्स को ले चलना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करना है जहां पर कि टेक्नोलॉजी फ्री युग हो। उस समय ऐसी कोई पोशाक जो सतयुग में नहीं चलती थी, जो आज के युग में चल रही है, वैसी पोशाक को वो बिल्कुल भी अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देंगे। इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि कल की अवतार बहुत ही सिंपल लाइफ जिएंगे, लेकिन सादगी में भी वो सुंदरता उनके पास रहेगी, उनके बोलचाल की भाषा में वो अट्रैक्शन रहेगा कि बिना इंग्लिश बोले भी वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। हालांकि उनको इस दुनिया में बोली जाने वाली हर भाषा का ज्ञान होगा, ज़रूरत पड़ने पर जब सामने वाला इंसान उनकी बातों को नहीं समझेगा, तो सामने वाला इंसान जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में वो उससे कम्युनिकेट करने की क्षमता भी रखते हैं। अब रही बात पोशाक की, पोशाक उनकी बिल्कुल भी आज के तरह की नहीं होगी, बहुत ही सिंपल और साधारण तरह की पोशाक जिसमें की सुंदरता होगी, जो साफ सुथरी होगी।
क्योंकि लोगों के दिमाग से, लोगों के दिमाग में ये बात बिठला देनी है कि पोशाक किसी इंसान की पर्सनैलिटी में चार चांद नहीं लगाता है, बल्कि उसका आचार, उसका व्यवहार ही उसे इस तरह का बनाता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के इस पीरियड में उन्हें लेकर आना है सतयुग, उन्हें यूनिवर्स को उस तरह का बना देना है जिस तरह के यूनिवर्स पहले हुआ करती थी। तो उस तरह के यूनिवर्स में जो चीजें सतयुग में थी, वही सारी बातें फिर से एक बार कल की अवतार लौटा कर लाएंगे। हम उन्हीं की बात सुनते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। जब सामने वाला इंसान, बोलने वाला भी जो बातें कह रहा है उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो जब कल की अवतार सतयुग की व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, लेकर आने वाले हैं, तो उन्हें भी उनका जो आचार व्यवहार होगा, उनका जो, उनकी जो पोशाक रहेगी, उनके बोलचाल करने का जो ढंग रहेगा, वो भी बिल्कुल ही सिंपल होगा। यानी सिंपलिसिटी को ही वो बढ़ावा देंगे। कोई भी एडवांस बातें, एडवांस चीज़ें, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कोई भी मॉडर्न ड्रेसेस, ये सब उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, ताकि लोगों तक वो मैसेज ये पहुंचाएंगे कि इन चीज़ों के बिना यदि आप मॉडर्न ना भी रहें, आधुनिकता को अपने जीवन में बढ़ावा ना भी दें, उसे फॉलो ना भी करें, तो भी आप एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया में रह सकते हैं, जैसा कि सतयुग में लोग रहा करते थे। सिर्फ देवी देवता ही नहीं रहते थे, इंसान भी रहते थे, लेकिन वो इंसान सादगी की मूर्ति हुआ करते थे। उनके अंदर वो प्योर सोल, वो प्योरिटी होती थी, वो फ्रेशनेस रहती थी कि वो इंसान सादगी को फॉलो करते हुए अपने जीवन में ना कभी बीमार पड़ते थे और ना ही कभी उन्होंने किसी को बीमार होते हुए देखा था। तो बीमारी कोसों दूर, इंसान की लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल, लेकिन फिर भी एकदम टॉप क्लास की लाइफ। इसलिए उन लोग की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो मॉडर्न तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जीते थे। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो पिज़्ज़ा, इन सब के बिना भी सतयुग के लोग जिंदा रहते थे। और हमारे ज़माने में भी, मतलब मैं जब यूथ थी तभी भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों को नहीं देखा था। आज जितना क्राइम बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। कल की अवतार भी भले ही मॉडर्न एज में उनकी एंट्री हुई है, लेकिन मॉडर्न एज में रहते हुए भी वो बैकवर्ड नहीं, बल्कि सिंपलिसिटी के साथ एक सिंपल पर्सन रहेंगे। लोग भले ही उनको डिसरेस्पेक्ट करें, उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन 30% उन लोगों को उन्हें तैयार करना है जिनकी एंट्री सतयुग में होने वाली है। तो 30% लोगों को सतयुग की तरह उस व्यवस्था में ढालने के लिए वो खुद तैयार हैं, और इसलिए मॉडर्न लाइफ से दूर उनकी लाइफ सिंपल हैप्पी लाइफ होगी, डिजीज फ्री लाइफ होगी, जिसमें कि अनगिनत खुशियां, चेहरे पर मुस्कुराहट और एक प्योर ऑरा जो सामने वाले को ऑटोमेटिकली, उस समय तो नहीं, लेकिन जब वो उस इंसान से मिलकर कहीं चले गए, तो इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि सामने वाला इंसान कुछ अलग हटकर है। तो आज के मॉडर्न युग के कल के अवतार मॉडर्न बिल्कुल नहीं होंगे, ना वो एडवांस चीज़ों को बढ़ावा देंगे, बल्कि सिंपलिसिटी ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो खुद भी सिंपल रहकर लोगों को ये बात सिखलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।